इसी के साथ दोस्तों जस्ट भाई ये लास्ट पार्ट है स्वीटी की विदाई का। इससे पहले आपने देखा होगा थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया था मैं। तो भाई जस्ट अभी भाई गाड़ी में बैठ के भाई स्वीटी जा रही है, तो ये रही मेरी बहन, क्योंकि अभी पानी वानी पिलाने की जो रस्म है वो हो रही है। ठीक है, तो मैं तो ये खड़ा जो कि बातें कर रहा हूँ ऐसी, और स्वीटी भाई सबसे मिल रही है, बच्चों से बड़ों से सबसे मिल रही है, बाय बाय भी कर रही है साथ के साथ, अभी मामा से भी मिलेगी। तो मैं तो खड़ा ही हूँ, मैं तो देखा भी नहीं जा रहा था थोड़ा सा जाते ही। जीजा जी मेरे ये रे, ठीक है, जो कि स्मार्ट है ही, तो इस गाड़ी में जाएगी स्वीटी। स्वीटी पे भाई बैठा भी नहीं जा रहा था मोटी पे। एक तो ये लहंगा इसने इतना पहन लिया भारी सा, और इस पे बैठा भी नहीं जा रहा गाड़ी में चढ़ के मोटी, पता नहीं क्या। फिर भी चलो मेरी बहन इसको बिठा रही है और आराम से बैठ भी गई पीछे से, पीछे को के। तो एक तो लहंगा ये भारी सा हो गया ना इस वजह से दोस्तों। चलो ठीक है। और दोस्तों मैं जीजा जी से भाई बातें बातें कर रहा है यहाँ पर खड़ा होकर, ये रहा। इसी के साथ जीजा जी भाई बात करते हुए मम्मी से बोल रहे कि टेंशन मत लो, कल परसों को तो हम आई रहे फिर से स्वीटी को मिलाने, तो बातें बातें हो रही है। और दोस्तों भाई अब भाई मेरे को पीछे जाना है गाड़ी के, गाड़ी में भाई धक्का लगाना है यार, ये एक बहुत बड़ा वो था मेरे लिए सीरियसली, बहन को गाड़ी में बिठा के और गाड़ी में पीछे से धक्का लगाना। अरे यार गई मेरी बहन दोस्तों, यार सीरियसली यार अभी भी बोल रहा हूँ ना, तो आई मिस यू बहन, यार तुम्हें बहुत याद करूँगा मैं। गई दोस्तों, जिसको मैं बहुत ज़्यादा परेशान करता था, जिसकी वो इतना सारा लड़ता था झगड़ता था प्यार भी करता था, आज वो गई, वो जाने लग रही है भाई स्वीटी। आगे भाई स्वीटी की गाड़ी गई, फिर उनके पीछे भाई ये वाली नई वाली गाड़ी जा रही है। ठीक है, तो सारे मेहमान भाई जाने लग रहे हैं। सो ठीक है फिर दोस्तों, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है और भाई स्वीटी गई, फाइनली विदाई हो गई उसकी, और ये दुल्हन का भाई जो कि मैं। तो अभी के इस व्लॉग को भाई यहाँ पर एंड करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा नींद आ रखी है और कुछ नहीं, सोता हूँ मैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता हूँ बहुत जल्दी, देखता हूँ अब सोने के बाद कब उठता हूँ। यार अभी सोना खाया, अभी मैं मैरिज होम में ही हूँ, सारा सब लोग चले गए, मैं अकेले ही बैठा हूँ इस रूम में, यहाँ पर अंगारे हैं और हाथ सेक रहा हूँ बस, ठीक है, और सब लोग चले गए घर पर। इसी के साथ दोस्तों मैंने भाई सबको घर पर भेज दिया था, ठीक है, अभी बस थोड़ा बहुत काम था यहाँ पर मैरिज होम में, ठीक है, पेमेंट वेमेंट करनी थी, फिर मैं भी यहाँ से निकलूँगा। सामान है जो बच चुका है, जो भिगोने पिगोने मतलब वो लेकर जाने हैं, तो उसी के लिए मैं मतलब अभी बैठा हूँ, उठा हुआ हूँ, बस लेके जाऊँगा। अरे नींद आ रखी है, ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं पी रखी है क्या, तो लेके जाऊंगा सामान सारा और
सेट वेट करूँगा फिर जाके मैं सोऊंगा यार। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के इस व्लॉग को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और वैसे ड्यूटी को बहुत मिस कर रहा हूँ, भेजा तो है पर दिल पे पत्थर रख के उसको मैंने विदा करा है, पर कोई बात नहीं। दोस्तों अंदर की बात बताऊं, इस कमरे में बैठ के कम से कम एक डेढ़ घंटा इतना रोया था, इतना रोया था, स्वीटी की वीडियोस देख के, अपनी स्वीटी की प्रैंक्स देख के बहुत रोया था भाई। थोड़ा सा सोया, सोने के बाद सुबह ही उठ गया क्योंकि भाई ये सिलेंडर वापस जाने थे। तो सुबह उठ के फटाफट से मैंने कपड़े चेंज करे, कपड़े चेंज करने के बाद जिसका जो सामान था, जिसके जो सिलेंडर थे, वे सारे वापस करने हैं भाई। जिसमें गैस है ज़्यादा सिलेंडर में, वो सिलेंडर को खाली कर रहे हैं, भर रहे हैं। मैं ताऊ जी के पास बैठा हूँ, ताऊ जी हिसाब किताब देख रहे हैं, तो मैं भी बैठा हूँ, मुझे ताऊ जी बता रहे ये हो गया, वो हो गया, इसका हो गया, इसका देना, इसका देना नहीं। इसी के साथ ऊपर से भाई टेंट वाला भाई अपना टेंट उतार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि शादी तो हो गई है, वो लाइट वाइट सब उतर जाएगी दोस्तों। सब कुछ दोस्तों एकदम शांत सा हो गया, एकदम शांत सा हो गया। जब ये टेंट वेंट लग रहा था कितनी रौनक सी थी, अब सब मेहमान गए, सब रिश्तेदार गए, और मेरा दोस्त भाई जो कि भाई शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ ही है, बहुत साथ दिया मेरा, सभी दोस्तों ने भाई एंड तक साथ दिया सब ने मेरा।